मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। चीन में कोरोना संक्रमण होने के बाद अब लोगों को चिंता सताने लगी है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगेगा, यह सवाल सभी के मन में उठ रहा है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, जगह जगह लॉकडाउन लगने से लोग परेशान हैं और सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन के हालात को देखते हुए पड़ोसी देश के लोग भी दहशत में आ गए हैं। हमारे देश में चर्चा हो रही है कि क्या भारत में हालात चीन जैसे हो सकते हैं, क्या भारत में भी फिर से लॉकडाउन लगेगा। इन सवालों को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। भारत में कोरोना के ताजा हालात को लेकर एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बात की। गुलेरिया ने कहा, कुल मिलाकर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और भारत अभी ठीक स्थिति में है। मौजूदा परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने या फिर लॉकडाउन लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है। आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगने की संभावना पर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोविड के गंभीर मामले बढ़ने और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि टीकाकरण की अच्छी दर और प्राकृतिक रूप से संक्रमण होने के कारण भारतीयों में हाइब्रिड इम्यूनिटी पहले ही विकसित हो चुकी है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बीच हाइब्रिड इम्यूनिटी की अच्छी खासी दर होने के कारण लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि पहले के अनुभव दिखाते हैं कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उड़ानों पर पाबंदी लगाना प्रभावी नहीं है। आंकड़े दिखाते हैं कि चीन में संक्रमण के तेजी से फैलने के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट हमारे देश में पहले ही पाया जा चुका है, जिसका उतना खास असर नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोविड की मौजूदा स्थिति काबू में है और घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना चाहिए और टीके की बूस्टर डोज लेनी चाहिए। दुनिया भर में बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए भारत में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने भी कोविड मामलों में ग्लोबल बढ़ोतरी को देखते हुए राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉकड्रिल करने को कहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड और हांगकांग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि चीन में कोविड मामलों में स्पाइक ने दुनिया भर में चिंता फिर से पैदा कर दी है। सरकार ने लोगों से मास्क पहनने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और कोविड के अनुकूल व्यवहार करने का पालन करने की गुजारिश की है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।